स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल द सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरेटोनिन एंड फाइव हाइड्रोक्से ट्रिप्टामिन अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऑटोकोइड्स क्या होते हैं उसमें मैंने डिस्कस किया था प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड है प्रोस्टाग्लैंड के रोल क्या है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरेटॉनिन एंड देयर एंटागोनि स्ट्रग्स यानी कि ये दो टॉपिक है जो हमारे इस ऑटोक्वाइड्स वाले चैप्टर में पूछी गई हैं सो so, सबसे पहले समझते हैं सेरेटॉनिन क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेरेटोनिन ये हमारी बॉडी तो का न्यूरो ट्रांसमीटर है इनफैक्ट एक ऐसा न्यूरो है जो कि एनिमल्स में भी पाया जाता है इट इस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन एनिमल्स एंड प्लांट्स तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाने पाया जाने वाला न्यूरो है एंड इसका रोल होता है इट कैरीज़ मैसेज बिटवीन द नर्व सेल इन योर ब्रेन यानी कि हमारे ब्रेन में और हमें पता है कि हमारे ब्रेन में जो मैसेज ट्रांसफ़र uh, करने का काम करते हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स करते हैं राइट सो so, जैसे कि हमारा सेरेटॉनिन हो गया या जैसे हमारा गाबा हो गया ये सारे हमारे क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन हो गया डोपामीन हो गया दीज ऑल आर द न्यूरो ट्रांसमीटर ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में जंप करते हैं तो एक न्यूरोन का सेल दूसरे न्यूर में ट्रांसफ़र होता है सेम वैसे ही सेरेटोनिन भी हमारे बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाला एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि न्यूरॉन्स के बीच में होने वाले सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है इट इज मैसेजिंग मॉलिक्यूल ओके अब ये हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है अगर मैं बात करूं कि सिर्फ ये सी एन हमारे ब्रेन में पाया जाता है तो ऐसा नहीं है ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में साथ ही साथ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है जैसे हमारे हाथ की न्यूरस है हमारे पैर की न्यूरो से हमारे लेग की हमारे स्टमक की न्यूरोस है तो इनमें भी पाया जाने वाला ये न्यूरो ठीक है ओके सो हमें ये पता चल गया कि हमारी पूरी बॉडी में पाया जाने वाला न्यूरो है सेराटोनिन नाउ कम टू द सिंथेसिस ये बनता कहाँ से है कहाँ से सिंथेसाइज होता है सो इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम एन अमाइनो एसिड कॉल्ड ट्रिप्टोफैन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये जितने भी न्यूरो हैं चाहे आप एसिटाइल कोलिन ले लीजिए चाहे आप डोपाम लीजिए चाहे आप एड्रिनलिन लीजिए ये सारे किसी ना किसी टाइप के अमाइनो एसिड से ही बनते हैं अमाइनो एसिड हमें पता है कि प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है राइट ना सो so ये जो अमाइनो एसिड्स हैं यही हमारे ब्रेन के न्यूरो को बनाते हैं एंड यही न्यूरो फिर हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफर होते हैं सो so, यहाँ पे जो हमारा फाइव हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामिन है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन अमाइनो एसिड जिसका नाम है क्या ट्रिप्टोफेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाउ कहाँ कहाँ पाया जाता है सेरेटोनिन लोकेशन क्या है इसकी सो इट इज़ फाउंड इन द इंटस्टाइन इंटरस्टाइन हमारे जी ट्रैक में प्लेटलेट्स में एंड ब्रेन में एंड ब्रेन में हमारे ब्रेन uh, में पाया जाएगा तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेवरल कंडीशन सच इज माइग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो होता है साइकोसिस भी इंड्यूस करता है सेराटोनिन कभी कभी ये सेरेटोनिन साइकोसिस इंड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा एंड जी आई टी डिसऑर्डर्स एंड स्लीप के लिए यानी कि जी आई टी में uh, कई सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड अगर इसका एबनॉर्मल वैल्यू होगा तो जी आई टी में डिसऑर्डर्स भी इंड्यूस हो सकते हैं साथ ही साथ ये सेरेटॉनिन हमारी स्लीप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सो so, किस किस चीज़ के लिए कहाँ पाया जाता है किससे सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफैन से कहाँ पाया जाता है इंटेस्टाइन में पाया जाता है ब्रेन में पाया जाता है एंड किन किन कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साथ ही साथ जी ट्रैक में भी पाया जाता है माइग्रेन के लिए साइकोसिस के लिए एंड uh, डिस स्लीप uh, uh, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओके okay? नाव अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है ये सेरोटोनिन हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द फिजोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन देन क्या क्या बेसिक फंक्शन है सेरोटोनिन के सो so, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ दैट इज़ अ मूड सो सेरेटोनिन हमारे मूड को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट करता है या हमारे मूड को काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इफेक्ट करता है तो सेरोटोनिन इन आवर ब्रेन रेगुलेट्स द मूड रेगुलेट्स योर मूड इट इज़ ऑफ इन कॉल इज बॉडी इज़ नेचुरील गुड केमिकल यानी कि हमारे ब्रेन में जो फील गुड के लिए जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ आवर सेरेटॉन एक चीज़ यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज होने वाली बात आ सकती है कुछ स्टूडेंट्स uh, बोलेंगे कि डोपामीन को भी फील गुड हार्मोन बोला नीरो ट्रांसमीटर बोला जा रहा है एंड सेरोटोनिन को भी बोला जा रहा है फील गुड सो डोपामीन में एंड सेरोटोनिन में अंतर यह है कि डोपामीन हमेशा रिवॉर्ड के, के लिए आप बोल सकते हैं कि फील गुड करवाता है या आप बोल सकते हैं कोई भी ऐसा रिवॉर्ड है या कोई ऐसी अचीवमेंट है तो उस कंडीशन में डोपामीन रिलीज होता है एंड एक नॉर्मल फील गुड कंडीशन या काम कंडीशन के लिए हमारा सेरेटॉनिन रिलीज़ होता है ठीक है ना फॉर एग्जांपल हमें अगर कुछ हमें प्राइज़ मिलता है, so है, reward, है, है तो उस कंडीशन में डोपामिन रिलीज होता है दैट इज़ अ रिवार्ड फॉर द रिवार्ड परपज़ एंड एक नॉर्मल है कि हैप्पीनेस है तो उस कंडीशन में सेरेटॉनिन रिलीज होता है सो दोनों ही फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर हैं एंड दोनों का ही रोल हमें फ़ील गुड करवाना है बस अंतर यह है कि जो डोपामीन है दैट इज़ फॉर डेट मोस्टली रिलीज डूरिंग द रिवार्ड कंडीशन ओके सो वेन सेराटोनिन इज़ एट नॉर्मल लेवल पर्सन फील मोर फोकस्ड इमोशनली स्टेबल यानी कि नॉर्मल एक कंडीशन जो काम की कंडीशन है ना कि हम नॉर्मली काम कर रहे हैं या हमारा माइंड काम कंडीशन में है तो वो सारी चीज़ें रेगुलेट कर रहा है हमारा सेरेटोनिन उस सारी कंडीशन में ऑल टाइम डोपा रिलीज नहीं होता है सो नॉर्मली फोकस्ड होकर के या एक काम कंडीशन में अगर हम काम कर रहे हैं सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द सेरेटॉनिन ओके लो लेवल ऑफ़ सेरेटॉनिन आर असोसिएटेड विद द डिप्रेशन एंड जब डिप्रेशन होता है मैंने आपको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जब पढ़ाई होंगी तो उसमें बताया था कि नॉरेपिनेफरिन हो गया या सेरेटॉनिन हो गया ये हमारे इनका लेवल डिके डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग डिप्रेशन में तो so, डिप्रेशन में बेसिकली क्या करते हैं कि इनके लेवल को ही बढ़ाया जाता है सो so, सेरेटोनिन का लेवल अगर कम होगा दैट पर्सन में सफ़र फ्रॉम द डिप्रेशन ओके एंड मेनी मेडिकेशंस यूज टू ट्रीट एन्जाइटी डिप्रेशन एंड फिर उस कंडीशन में हम ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं जो साइटोन के लेवल को बूस्टअप करें या उसके डिस्ट्रॉय को होने से बचाएं जिसमें आते हैं हमारे सैटोनिन रीअपटेक इनिमिटर सैटोनिन डिग्रीडेड इनिमिटर ये सारी हमारी ड्रग्स आती हैं सो so, ये जो हमारा सेरेटॉनिन है ये मूड को अफेक्ट करता है एक पेशेंट को काम अफेक्ट के लिए फोकस के लिए इमोशनली स्टेबल के लिए एंड हैपियर कंडीशन स्टेट के लिए ये सेरेटॉनिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन डाइजेशन सो मैंने बताया कि एक तो हमें ये पता है कि जो हमारा सेरेटॉनिन है ये ब्रेन में पाया जाता है दूसरा मैंने बोला कि जी में पाया जाता है ठीक है ना जी में क्या रोल है सो ये जो सेरोटोनिन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कहते हैं कि जो हमारा गट हेल्थ है ना वो हमारे ब्रेन से ही हमारे गट में भी एक ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं कि एंटरिक प्लेक्सिस सो so, वो जो हमारा पूरा जीआईटी है ना वो एक बेसिकली वो वहाँ पे भी एक ब्रेन है जो हमारे पूरे जीआईटी को कंट्रोल कर रहा है राइट right? तो वहाँ पे सिरेटॉनिन का बहुत इंपॉर्टेंट सीरेटोनिन जीआईटी से रिलीज होता है इसका बेसिक काम होता है इसका बेसिक काम होता है टू तो कंट्रोल आवर बाउल फंक्शन एंड प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर गट यानी कि हमारे गट को प्रोटेक्ट करना एंड जो बाउल मूवमेंट होता है ना जो फीकल मैटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से असेंडिंग डिसेंडिंग एंड ट्रांसफर्स कोलॉन में सो so ये सारा जो बाउल मूवमेंट का कंट्रोल होता है ये सारा हमारा सेरेटोनिन के ऊपर डिपेंड करता है यानी कि सेरेटोनिन जब रिलीज होगा तो ही हमारा जो गट हेल्थ है या बाउल मूवमेंट है वो ही अच्छा रहेगा सो आवर गट कैन इंक्रीज़ सेरेटोनिन रिलीज टू स्पीड डाइजेशन टू रेड आवर बॉडी इरिटेटिंग फोर्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड जो हमारा गट है वो सेरेटोनिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करता है ताकि जो डाइजेशन है उसमें वो हेल्पफुल uh, हो सके ठीक है ना सेटोनिन ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन रिड्यूसिंग योर आवर एपेटाइट बाई ईटिंग एंड एक होता है ना कि स्टमक फिलिंग एंड स्टमक एम्पटिंग सो हमारा स्टमक जब फुल हो जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल uh, मिलता है कि भाई अब स्टमक फुल हो चुका है सो so, उस कंडीशन में भी सेरेटोनिन का रोल प्ले होता है तो ये हमारा जो सेरेटोनिन है ये हमारे डाइजेशन के लिए हमारे गट के लिए हमारे बाउल मूवमेंट के लिए हमारे एपेटाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थर्ड आता है स्लीप ठीक है पहला हमने पढ़ा आपका मूड, दूसरा हमने पढ़ा गट यानि डाइजेशन के लिए एंड तीसरा है स्लीप तो सेराटोनिन हमारा एक ऐसा नीरो है जो कि प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्वालिटी जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी कि हाउ वेल हाउ लॉन्ग यू स्लीप ये हमारे सेरेटोनिन पे डिपेंड करता है अगर किसी पर्सन का सेरेटोनिन लेवल रिड्यूस होगा तो हो सकता है कि उसकी स्लीपिंग या बोल सकते हैं उसकी डीप स्लीप या उसकी स्लीप वो स्लीप डिप्रिवेशन में भी जा सकता है स्लीप डेफिशिएंसी में भी जा सकता है सो so, स्लीप की इंटेंसिटी जो है या वो डिपेंड करती है हमारे सेरेटोनिन पर भी क्योंकि इट इज़ अ स्लीप न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो सो आवर ब्रेन ऑल्सो नीड्स सेरेटोनिन टू मेक मिलेटॉनिन अब ये जो मिलेटॉनिन uh, है जो कि जिसको हम बोलते हैं कि स्लीपिंग हॉर्मोन यानी कि अगर जब तक ब्रेन से मिलेटॉनिन रिलीज नहीं होगा एक गुड स्लीप इंड्यूसड कभी नहीं हो सकती है सो so, बोलते हैं ना कि लाइट्स ऑफ कर दीजिए होने से पहले हमेशा हमेशा एक डार्क होना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क में ही मिलेटॉनिन रिलीज होता है एंड इस मिलेटॉनिन को रिलीज होने के लिए क्या लगता है सरेटॉनिन ठीक है ना सो दिस मिलेटॉनिन रिक्वायर सीरेटॉनिन हिन्स आवर स्लीप इज़ डिपेंड ऑन द सेरेटॉन ओके एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द आवर सिंथिसाइज कहाँ से होता है uh, synthesize कैसे होता है ट्रिप्टोफैन से लोकेशन इसकी कहाँ है मैंने बताया कि इंटेस्टाइन में है ब्रेन में है प्लेटलेट्स में है और ये जीआईटी में पाया जाता है ये हमारे मूड को अफेक्ट करता है डाइजेशन को अफेक्ट करता है एंड हमारे स्लीप को अफेक्ट करता है ओके okay? नाव कम टू द इसमें इतना ही आपको पढ़ना है कि सेरेटोनिन रिलीज कहाँ से होता है लोकेशन क्या है एंड उसका फिजोलॉजिकल रोल क्या है इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस द फिजोलॉजिकल रोल ऑफ सेरेटॉनिन बस इतना ही पूछा जाएगा नाव इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दैट इज अ फाइव एस टी एंटागोनिस्ट यानी कि फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के जो एंटागोनिस्ट हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ओके सो अब फाइव टी एंटागोनिस्ट हमने सेरेटोनिन का रोल तो देख लिया मतलब सेरेटोनिन का ही दूसरा नाम क्या है फाइव टी यानी फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन तो अब इस सेरेटोनिन के एंटागोनिस्ट क्या हैं एंड इनकी ज़रूरत क्या है क्वेश्चन so, तो ये आता है कि भाई अगर सेरेटोनिन हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा है तो फिर हमें एंटागोनिस्ट की जरूरत क्या है या हमें क्यों चाहिए एंटागोनिस्ट ओके ना तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या है एंटागोनिस्ट ये ऐसी ड्रग्स हैं जो सेरेटोनिन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगी इन्हीं ड्रग्स को हमने बोला फाइव एस टी एंटागोनिस्ट ओके okay? अब ड्रग्स हैं जाहिर सी बात है एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट देना है तो ये किसी ना किसी रिसेप्टर पे काम करेंगी यानी कि ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो सेरेटोनिन को उसके रिसेप्टर से बाइंड होने से प्रिवेंट करेंगी मैं देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेरेटोनिन क्या है एक न्यूरो है ठीक है न्यूरो कैसे काम करेगा जहाँ पे दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के बीच में एक केमिकल सिग्नल जनरेट होना है यानी कि एक न्यूरॉन्स का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे जंप करेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ठीक है ना सो तो यहाँ पे एक सेरेटॉनिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी तो इफेक्ट देगा यानी कि न्यूरो का न्यूरो ट्रांसमीटर जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जंप तभी करेगा जब वो दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पे जो यहाँ प्रेजेंट है उस पर जा करके बाइंड करेगा इट मीन्स कि सेरोटोनिन को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अपने रिसेप्टर से जो कि दूसरे न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट है उस पर बाइंड होना इम्पॉर्टेंट है राइट ना तो ड्रग्स हमारी कैसे काम करेंगी इन रिसेप्टर्स से सेरेटॉनिन के बाइंड होने को रोक देंगी जिसकी वजह से सेराटोनिन का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा राइट ना सो so यहाँ पे आती है हमारी फाइव एस टी एंटागोनिस्ट फाइव एस टी एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो इन रिसेप्टर्स पे ही काम करेंगी एंड जो सेरेटोनिन है उनके एफ, उनके फिजियोलॉजिकल रोल को अफेक्ट करेंगे ठीक है ना फाइव टाइप के फाइव एस टी होते हैं पहला है हमारा फाइव एस टी वन रिसेप्टर दूसरा हमारा फाइव एस टी टू रिसेप्टर तीसरा है फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर फोर्थ है फाइव एस टी फोर एंड फिफ्थ है फाइव एस टी से लेकर के फ़ाइव सिक्स सेवन वैसे ये तीन अलग टोटल देखा जाए तो सेवन रिसेप्टर्स हैं लेकिन फाइव से ले कर तक रिसेप्टर्स जो है बहुत कॉमन नहीं है ये ज़्यादातर ह्यूमंस में नहीं देखे जाते इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं तो ज़्यादातर जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो फाइव एस टी वन फाइव एस टी टू फाइव एस टी थ्री फाइव एस टी फोर रिसप्टर्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे कि इनसे जब ड्रग बाइंड करती है तो क्या एक्शन आता है एंड कौन कौन से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं ठीक है सो मैंने वहाँ पे यही लिखा है कि जो फाइव एस टी ड्रग्स हैं इन रिसेप्टर से बाइंड करती हैं एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देती हैं सबसे पहले समझते हैं कि अब ये जो हमारी फ़ाइव एस टी एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं वो कितने किस किस टाइप की होती हैं सो so, अगर मैं बात करूँ हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो दो क्लास हैं एक है हमारा फाइव एस टी टू एंटागोनिस्ट यानी कि जो फाइव एस टी टू रिसेप्टर उसको ब्लॉक करती हूँ ठीक है यानी कि इनको ठीक है एंड एक होंगी हमारी फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सो बेसिकली हमारे लिए दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एक है हमारा फाइव एस टी टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एक है हमारा फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारी ड्रग्स जब इन रिसेप्टर से बाइंड करती हैं तो एक फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं राइट सो so, उसी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन है हमारा पहला आता है हमारा ऐसी ड्रग्स जो नॉन सेलेक्टिव हैं नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है मिथाइल ठीक है एल्गोटामिन एंड यूहिम्बिन यानी कि ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो नॉन सेलेक्टिव हैं यानी कि किसी भी सेलेक्टिव रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं करेंगे फाइव एस टी वन पे बाइंड हो सकती हैं फाइव एस टी टू पे बाइंड हो सकती हैं थ्री पे फोर पे फाइव पे इसे को बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव सो so, ये जो ड्रग्स होंगी ये नॉन सेलेक्टिव होंगी एंड नॉन सेलेक्टिव होने की वजह से इनका जो इफेक्ट है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिजियोलॉजिकल रोल के तो ये हमारे लिए ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं मानी जाती है ठीक है ना नेक्स्ट आती है फाइव एस टी टू एंटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओके में जो ड्रग आती है हमारी दैट इज केटान सरीन आती है रिटान सरीन आती है क्लोजर पैन आती है रेस्पेरिडोन आती है एंड फाइव एस टी थ्री एंटागोनिस्ट में आती है हमारी ऑनडेस्टेर रेनेस्टरॉन पेलोनिस्टरॉन रोमेस्टरॉन एंड ट्रोपिस्टरॉन ये हमारी फाइव एस टी थ्री एंटागोनिस्ट हैं जो कि ब्लॉक करती हैं फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर्स को ओके नाउ अब एक करके देखते हैं क्या क्लिनिकल रोल है ये क्वेश्चन करके आ सकता है कि वट आर द क्लिनिकल रोल ऑफ फाइव एस टी एंटागोनिस्ट कि भाई अगर हम फाइव एस टी एंटागोनिस्ट दे रहे हैं तो रोल क्या है किस लिए दे रहे हैं कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ओके तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली ड्रग जिसका नाम है किप्रोह ठीक है किप्रोहेप्टाडीन हमारी फ़ाइव एस टी टू रिसप्टर को ब्लॉक करती है एंड फाइव एस टी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद ये कौन कौन से इफ़ेक्ट देती है सो किप्रोह किप्रोहेप्टाडीन हमारी ब्लॉक करती है फ़ाइव एस टी टू रिसप्टर को एंड फाइव एस टी टू रिसेप्टर ब्लॉक करने के बाद ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी पहला तो सिरेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एंटी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एंड एंटी कोल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी इसके साथ साथ ये उस कंडीशन में दी जाती है जब किसी पर्सन को एपेटाइट उसकी बहुत लो है या उसको भूख नहीं लग रही उसको भूख नहीं लग रही है या अभी हमने देखा कि जो हमारा सेराटोनिन है वो एपेटाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ब्रेन पे एक सिग्नल भेज देता है कि भाई अब जो स्टमक है वो फिलिंग हो चुका है सो so, उस कंडीशन में ये जो ड्रग है हमारी एपेटाइट को भी इंक्रीज़ करती है साथ ही साथ ये ड्रग के कुछ एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट चूँकि क्योंकि ये ड्रग एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की जो साइड इफेक्ट है वो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ ड्राउजीनेस वेट गेन ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं सो ये हमारी किप्रोहेप्टेडिन है ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है इसके एंटी इफेक्ट के लिए एंड एंटीकोल इनर्जिक इफेक्ट के लिए एंड एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज अटन सरीन राइट किटन सरीन हमारी ब्लॉक करती है फाइव एस टी टू एंड अल्फ़ा ब्लॉकर यानी कि ये दो जगह काम करती है यानी कि दो जगह इसका इफेक्ट आता है किटन सरीन का पहला फाइव एस टी टू एंड एंड अल्फ़ा ब्लॉकर होती है राइट सो ये जो ड्रग है हमारी वैसो कंस्ट्रक्शन करती है एंड प्लेटलेट का एग्रीगेशन करने में हेल्प करती है वैसे कंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन हमको कब ज़्यादा चाहिए होता है जब या बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए ब्लड वेसल्स डायलेटेड हो जाएंगी तो उस कंडीशन में हमको डायलेटेड ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें ये ऐसी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होगी राइट सो so, ये जो हमारी केटन सरीन है ये सेरेटोनिन के फाइब एस टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं एंड जो वैसोडाइलेशन हो रखा है उसको कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करती हैं तो ये जो ड्रग है हमारी इसको ये हमारी ड्रग माइग्रेन में यूज़ होती है माइग्रेन में क्या होता है कि सेरेटोनिन क्या करता है कि वैसोडाइलेशन करता है राइट ये जो सेरेटोनिन है ये अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो वैसोडाइलेशन करता है वैसोडाइलेशन करने की वजह से जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलेशन हो जाएगा एंड वही वो फिर पेन इंड्यूस करती हैं वैसोडाइलेशन होने की वजह से राइट तो ये जो ड्रग्स हैं हमारी उस वैसोडाइलेशन को वैसो कंस्ट्रिक्शन में चेंज कर देंगी एंड सेरेटोनिन के रिलीज को ब्लॉक करती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन में एक हेल्पफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है राइट सो so, ये जो ड्रग है हमारी साथ ही साथ ये अल्फ़ा ब्लॉकर भी होती हैं राइट right? तो so, इसलिए इनका प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होता है इसलिए ये ड्रग्स प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करती हैं ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ अ इसके अलावा ये किटन सरीन जो हमारी ड्रग है जो फाइव एस टी टू ब्लॉकर है ये साथ ही साथ जो स्मूथ मसल्स हैं एयर वे की ब्रोंको जो हमारी ब्रोंकाई की मसल्स हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्शन करती है एंड एंटागोनिस्ट इफेक्ट देती है साथ ही साथ ही एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी देती है क्योंकि ये अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है बट इसका बहुत ज़्यादा कोई वाइड एंटी हाइपरटेंसिव में इस ड्रग को हम यूज़ नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये ड्रग क्या करती है अल्फ़ा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है राइट नेक्स्ट आ जाइए हमारी नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ अ मिथाइल सेजाइड मिथाइल सेजाइड हमारी ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये अर्गट एल्केलॉइड जो हमारा अर्गटामीन होता है ना अर्गट वो परपूरिया उससे ली जाता है जो अर्गट लिया जाता है उसी के जैसी होती है ये ड्रग केमिकली उसी के जैसी होती है एंड ये भी हमारी फ़ाइव एस टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती है एंड माइग्रेन में हेल्पफुल होती है राइट right? नेक्स्ट आती है हमारी ड्रग दैट इज़ द ऑनडेंस्टिर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइव एस थ्री एंटागोनिस्ट होती है ये जो ड्रग्स होती हैं हमारी फाइव एस टी थ्री एंटागोनिस्ट होती हैं ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है ये जो ड्रग्स हैं ये फ़ाइव एस टी थ्री रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं जो कि हमारा पाया जाता है गट में एंड ये फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वॉमिटिंग एंड नौशिया के लिए एंड ये वॉमिटिंग एंड नौशिया कब ज़्यादातर होता है जब कोई पर्सन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का कंजप्शन करे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स समझ रहे हैं ना मतलब जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं या रेडियोथेरेपी में जो के ड्यूरेशन में जो ड्रग्स दी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा वो बिटर होती हैं बहुत ज़्यादा नोज़िया क्रिएट करती हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं टॉक्सिक भी नहीं मैं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा वामिटिंग एंड नोज़िया इंड्यूस करती हैं सो so, उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा नोज़िया एंड वामिटिंग इंड्यूस करेंगी ड्रग्स तो वो हो सकता है कि ड्रग का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए तो so, उस कंडीशन में जो नॉजी एंड वॉमिटिंग इंड्यूस होता है ना फाइव एस थ्री से हो रहा है हमारे गट से हो रहा है तो ये जो ड्रग्स हैं उस कंडीशन में यूजफुल होती हैं कि ये उस रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे गट से नोज़िया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती हैं जिसकी वजह से जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनका उनसे वॉमिटिंग इंड्यूस ना हो राइट सो so ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑनडें स्टेरॉन ये सब ड्रग्स का क्योंकि ये हमारी एंटी कैंसर की थेरेपी में साथ में दिया जाता है ताकि जो ड्रग है उसकी वजह से वामिटिंग एंड नोज़िया इंड्यूस ना हो ठीक है ना सो दीज ड्रग्स एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस रिमार्केबली इफेक्ट इन कंट्रोलिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग द एंटी कैंसर ड्रग्स एंड रेडियोथेरेपी तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड इनको दिया जाता है नेक्स्ट आ जाए क्लोजा एंड रेस्पेरिडोन ये भी हमारी ये हमारी ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं ये फाइव एस टी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं साथ साथ डोपामीन डी टू रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं इसलिए ड्रग्स ज़्यादातर सीजोफ्रीनिया के लिए हेल्पफुल है तो so, ये ड्रग्स आपने देखी ये ड्रग्स हमारी फाइव एस टी टू रिसेप्टर एंड फाइव एस टी टू फाइव एस टी टू थ्री रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी जिसकी वजह से उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा था ओके नाउ एक करके हम एक चार्ट देखते हैं इसमें हम देखेंगे कि रिसेप्टर कौन सा है उसका कहाँ पाया जाता है एंड उसकी एक्शन क्या है ओके तो पहला आता है हमारा फाइव एस टी वन रिसप्टर कहाँ पाया जाता है सी एन एस में क्रेनियल ब्लड वेसल्स में ये क्या करता है ये जो एक्शन है कि इससे नॉर्मली हमारा सेरोटोनिन बाइंड होता है तो क्या एक्शन आता है एंड ये हमारी ये ड्रग्स कौन से इफेक्ट देती हैं तो यहाँ पे सेरेटोनिन का इफेक्ट होगा यहाँ पे ड्रग का इफेक्ट होगा ओके okay? पहला है फाइव एस टी वन इसमें की ड्रग्स हमारी कंस्ट्रक्शन फाइव एस टी वन इससे सेरेटॉनिन बाइंड होता है तो जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स हैं यानी कि हमारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से माइग्रेन इंड्यूस होता है अगर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर माइग्रेन होगा राइट सो so, यहाँ पे हमारी जो ड्रग्स हैं कौन कौन सी हैं इस इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए बस्पी है <coughs> यहाँ पर हमारी कौन कौन सी ड्रग्स हैं पहला आता है हमारे बस्पी रोन बस हमारी एगोनिस्ट है जो कि इस पर बाइंड करके सेटोनिन जैसा इफेक्ट देगी ये एंटागोनिस्ट नहीं है इस पर इसके एंटागोनिस्ट है, ट्रिप्टेंस, ट्रिप्टेंस जो है वो हमारी इसकी एंटागोनिस्ट है नेक्स्ट आ जाइए हमारे फाइव एस टी टू रिसेप्टर पे फाइव एस टी टू रिसेप्टर हमारे कहाँ पाए जाते हैं प्लेटलेट्स में स्मूथ मसल्स में स्टमक में एंड ये क्या करते, है? करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है सैराटोन प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करेगा इस इफेक्ट को ब्लॉक कौन सी ड्रग्स करेंगी सरिन जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साइप्रोहेप्टाडीन एंड मिथालसराइजाइड ये हमारी एंटागोनिस्टिक ड्रग्स हैं जो फाइव एसटी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत पहले इससे पहले बताया था फिर आ जाइए फाइव एसटी थ्री रिसेप्टर ये हमारा कहाँ पाया जाता है सी टी जेड में एंड ये क्या करता है वॉमिटिंग एंड पेस्टाइलसिस मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होगा एंड इसको ब्लॉक करने वाली जो ड्रग है हमारी बेसिकली ऑनडेंस्टिर आती है जिसमें जिसमें ऑनडेंस्टिर एंटागोनिस्ट मैंने आपको बताया फिर आ जाइए फाइव एस टी फोर सेप्टर जो कि हमारे जी आई टी एन सी एन एस में पाया जाता है ये इससे सेरोटोनिन बाइंड करके पेरेस्टाइल्सिस मूवमेंट देगा एंड इसकी जो एंटागोनिस्टिक ड्रग है वो मेटाक्लो है ठीक है सो ये हमारा हो गया एंटागोनिस्ट फाइव एस्टी सेरेटोनिन आप बोल सकते हैं एंड फाइव एस टी एंटागोनिस्ट ये दोनों ही क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है या आप बोल सकते हैं इससे जो क्वेश्चन आएगा ना वो ज़्यादातर या तो क्लिनिकल रोल ऑफ फाइव एस टी एंटागोनिस्ट आएगा या फिर आ, आ सकता है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर को ब्लॉक करती है

एंटागोनिस्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रोंकाई, जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगी एंटी क्या होते हैं एंड एक्सपेक्टोरेंट्स uh, क्या होते हैं ये सारा मैं डिस्कस करने वाली हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग